दोस्तों आप जो YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करते हो तो आपका शॉर्ट्स वीडियो में कुछ इस प्रकार से आपका व्यूज आता है, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज समझ नहीं आता हो कि मैं अपने शॉर्ट वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अच्छे से एडिट भी कर रहा हूँ, अच्छे से मैं अपने शॉर्ट वीडियो को YouTube पर अपलोड भी कर रहा हूँ और सभी हैशटैग को भी यूज कर रहा हूँ, फिर भी मेरे शॉर्ट वीडियो इस प्रकार से व्यूज क्यों आ रहा है, क्या कारण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कि आपका शॉर्ट वीडियो इस प्रकार से व्यूज आने का कारण क्या है और इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो अगर आज की इस वीडियो को अगर पूरा एक बार आप देख रहे हो तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका जो शॉर्ट वीडियो इस प्रकार से जो व्यूज का जो प्रॉब्लम है उसको आप जड़ से खत्म कर सकते हो। तो अगर आपको भी अपना शॉर्ट वीडियो ज्यादा व्यूज आना है, अपना शॉर्ट वीडियो को जल्दी से वायरल करना है, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों अपना छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल में पहली बार आए और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो दोस्तों मैं अपना शॉर्ट अपना स्क्रीन रिकॉर्डर लगाता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, जिसके बाद आपको जो शॉर्ट में कम व्यूज का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको सब कुछ यहाँ पर आपको ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो को स्क्रीन मत देखना, वीडियो को पूरा देखना। अभी एक बार वीडियो को पूरा देख लो दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको जो शॉर्ट जो कम व्यूज का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप जड़ से खत्म कर सकते हो। सिर्फ आज किसी को पूरा देखना, जो मैं आपको स्टेप फॉलो करने के लिए बोला वो स्टेप फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाओ मैं आपको क्या क्या आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, आपको यहाँ से यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल जब आपको ओपन हो जाएगा दोस्तों क्या करना, आपको सबसे पहले सर्च बार में क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाओ मैं आपको क्या क्या आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। सर्च बार में जब क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको क्या चीज लिख के सर्च करना है वो ध्यान से सुन लो। आप यूट्यूब पर जिस भी कंटेंट का आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो, शॉर्ट वीडियो में दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप टीच कैटेगरी का शॉर्ट वीडियो बनाते हो, आप ही ब्लॉगिंग का शॉर्ट वीडियो बनाते हो, आप ही मिनी ब्लॉग का शॉर्ट वीडियो बनाते हो, आप ही को ट्रैवल का शॉर्ट वीडियो बनाते हो, आप ही दोस्तों को कुकिंग का शॉर्ट वीडियो बनाते हो, आप ही मोटिवेशनल का शॉर्ट वीडियो बनाते हो, अदरवाइज जो भी आपका शॉर्ट वीडियो का कैटेगरी है, ठीक है। अब उस कैटेगरी में जिस भी कंटेंट का आप वीडियो बनाते हो, जैसे दोस्तों मेरा कैटेगरी है जैसे मैं टीच का वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा दोस्तों इसमें इस कैटेगरी में दोस्तों हो गया दोस्तों सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए, यूट्यूब चैनल कैसे बढ़ाए, अनबॉक्सिंग वगैरह जो भी दोस्तों इस मेरा कंटेंट है टीच में। अदरवाइज दोस्तों आप जैसे कुकिंग का वीडियो बनाते हो, कुकिंग में आपका हो जाएगा दोस्तों कंटेंट हो जाएगा मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाए, आलू गोभी की सब्जी कैसे बनाए, मतलब दोस्तों जो भी आप कुकिंग बनाते हो वो आपका कंटेंट हो गया, ठीक है। वो कैटेगरी आपका कुकिंग रह गया। तो उसके दोस्तों आपको जो भी कंटेंट का वीडियो बनाते हो कंटेंट यहाँ पर लेकर लिख के सर्च करना है। जैसे दोस्तों मेरा कंटेंट है टीच का, टीच में बनाता हूँ जैसे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए, तो यही से मेरा कंटेंट है। तो मैं यहाँ पर कंटेंट लिख के मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैं लिखूंगा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। तो इस प्रकार दोस्तों आपका भी कंटेंट लिख के सर्च करना है, ठीक है। अपने वीडियो का जो कंटेंट देगा वो लिख के आपको सर्च कर देना है। सेम प्रोसेस आपको भी करना है, ध्यान से देखते जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और अच्छे तरीके से समझना दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों जो अपना कंटेंट लिख के सर्च करो इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है पूरा आपका कंटेंट का वीडियो आएगा यहाँ पर, लेकिन पूरा लॉन्ग वीडियो आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो करना क्या है, यहाँ पर नीचे सब लॉन्ग वीडियो दिख रहा है लेकिन ऊपर में आपको कुछ सेटिंग यहाँ पर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है शॉर्ट्स का। तो सिंपली क्या करना दोस्तों, आपको शॉर्ट्स में आपको क्लिक कर लेना है। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर देखे दोस्तों वही वीडियो वही कंटेंट का वीडियो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट वीडियो आ रहा है। पहले मेरा लॉन्ग वीडियो आ रहा था लेकिन अब मेरा शॉर्ट वीडियो आ रहा है, अगर शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तब, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको भी अपने शॉर्ट सेक्शन में चले जाना है। और यहाँ पर देखो दोस्तों क्या सब कुछ दोस्तों यहाँ पर देखे सब मेरा वही कैटेगरी का वीडियो है, वही कंटेंट का वीडियो है दोस्तों, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ओनली फॉर वही वीडियो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या चीज तरीका यूज करना है, जिसके बाद आपको जो शॉर्ट वीडियो कम व्यूज प्रॉब्लम हो रहा है वो आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों हर एक स्टेप को, ठीक है। तो यहाँ पर देखे दोस्तों बहुत सारा वीडियो आ रहा है, किसी में दोस्तों मिलियन में व्यूज है, किसी में लाखों में व्यूज है। तो यहाँ पर देखते हो सभी में दोस्तों यहाँ पर ऊपर में देखिए 16 लाख है, 4.5 लाख है, इसमें 3.5 लाख है, इसमें 5 लाख है, मतलब 1.5 लाख है, 25 लाख है, यहाँ पर देख सकते हो इसमें 25 लाख व्यूज है। तो मतलब यहाँ पर देखो दोस्तों सभी में इस प्रकार से आपका व्यूज आपका आएगा देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों करना क्या, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रख लेना दोस्तों, यहाँ पर जिस वीडियो में ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो को आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ 25 लाख व्यूज है, यहाँ पर देखिए मनोज भाई का इसमें कुछ पोस्टर वगैरह लगा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, चलिए इसी में हम क्लिक करते हैं, ठीक है, इसमें क्लिक कर लेते हैं, इस वीडियो को हम थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना दोस्तों, वीडियो का जो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, तो आपको करना क्या दोस्तों, नीचे जो यहाँ पर देखिए जो आपको जो यूज साउंड दिया है, ठीक है, सिंपली क्या करना है, इसका साउंड को आपको यूज करना है, ठीक है। यूज करने बाद आपको व्यूज कैसे बढ़ेगा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को स्क्रीन मत देखो, वीडियो को पूरा आप देखो एक बार दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना दोस्तों, यहाँ पर देखो साउंड आपको क्लिक करना है, साउंड में क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर देखिए इसके अलावा कितने वीडियो यहाँ पर बना चुका है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर जो इस प्रकार से इंटरफेस है यहाँ पर देखिए रेड कलर में आ रहा है यूज दिस साउंड। तो सिंपली क्या करना दोस्तों, यहाँ पर क्या करना, आपको यूज दिस साउंड को क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका टाइमिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लेना दोस्तों कि आपका जो शॉर्ट वीडियो भी आपका शॉर्ट वीडियो है जो पहले से आप रिकॉर्ड करके रखे हो, उस शॉर्ट वीडियो दोस्तों आपका टाइमिंग कितना है, कितने सेकंड का आपका शॉर्ट वीडियो है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप दोस्तों 29 सेकंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइमिंग देख लेना, अगर आपका 29 सेकंड है तो ठीक है, अगर आपका 29 सेकंड का नहीं है तो
तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना दोस्तों, आपको कोई दूसरा शॉर्ट वीडियो वहां से जाकर सिलेक्ट करना, जिससे मैंने सिलेक्ट किया। तो दोस्तों क्या करना, यहाँ पर इस प्रकार से बैक आपको आ जाना, यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है, कट कर देना है, से बैक आना, बैक आने बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना, फिर से यहाँ पर इस तरह बैक आ जाना और यहाँ पर कोई वीडियो की इससे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, कोई वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करना, चलिए मैं दूसरा कोई वीडियो को ले लेता, चलिए यहाँ पर कोई दूसरा वीडियो को ले लेता, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, वीडियो को यहाँ पर फिर फ्यूज कर देता हूँ, इसको फिर से इस प्रकार सेम प्रोसेस आपको भी करना है। एंड यहाँ पर फिर से क्या देखो दोस्तों, इसके सामने कितना 5100 शॉट बन चुका है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यूज दिस साउंड आपको भी क्लिक कर लेना है, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए इसने वीडियो कितना टाइम का बनाया है, 58 सेकंड का वीडियो बनाया है, ठीक है, 58 सेकंड का। तो अगर आपका शॉर्ट वीडियो इतना सेकंड का है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना, इतना सेकंड का वीडियो लेना, अदरवाइज दोस्तों इससे कम सेकंड का वीडियो है वहां पर एक वीडियो को कोई ले लेना है, ठीक है, इस प्रकार से जितना सेकंड का आपको वीडियो रहेगा उतने सेकंड का वीडियो आपको सिलेक्ट करना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इतना करने बाद दोस्तों को करना का दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर गैलरी ऑप्शन आएगा, गैलरी ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से दोस्तों आपने वीडियो को सिलेक्ट करना, जो भी आपको वीडियो रहेगा आपको वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ से कोई वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने बाद क्या करेंगे, इसको हम डन कर देते हैं। डन करने बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, यूट्यूब यहाँ पर एनालाइज करेगा कि आपका वीडियो किस कैटेगरी का है, इस वीडियो को कहाँ पर भेजना है जिससे आपका वीडियो लोग ज्यादा देखेगा, तो यहाँ पर दोस्तों एनालाइज करेगा यूट्यूब, तो इसको यहाँ पर आपको वेट कर लेना, प्रोसेसिंग को पूरा होने देना है, यहाँ पर बैक प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आगे आ चुका है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर देना, यहाँ पर साइनिंग ऑप्शन नीचे आ रहा है, साइनिंग ऑप्शन आपको कर देना है, ठीक है। इतना कर दोगे दोस्तों, इतना करने बाद यहाँ पर देखे दोस्तों इस प्रकार से, चलिए साउंड को यहाँ पर थोड़ा सा मूड कर देते ताकि आपको अच्छी तरह से सुनाई दे मेरी बात को, ठीक है, यहाँ पर देखे साउंड में मूड कर दिया। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट नहीं करना है, यहाँ पर कुछ आपको तरीकों को यूज करना है जिससे आपका शॉर्ट वीडियो व्यूज बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना का दोस्तों, ऊपर में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मिनिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट करने से पहले आपको मिनिमाइज का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, क्लिक करने बाद दोस्तों आपको करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो ओरिजिनल साउंड आपका जीरो हो चुका है, एंड जो मैंने जिसका जो भी शॉर्ट वीडियो साउंड यूज किया यहाँ पर देखिए पूरा हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपको कैसी आइडिया यूज करना है, आपने साउंड को पूरा कर देना है और जो आपने जिस साउंड को यूज किया उसको दोस्तों पूरा कम कर देना है, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा सब कुछ मैं वीडियो को आगे बताने वाला हूं। तो आपको प्रोसेस इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है, इतना करने बाद आपको साइन अप कर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको करेगा क्या, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा दोस्तों, क्या करना आपको, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पेंसिल आइकन आपको क्लिक करना है, ठीक है, पेंसिल आइकन में क्लिक करना है और अपने को शॉर्ट में एक थंबनेल क्रिएट जरूर करना, जब तक आपका शॉर्ट में कोई अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं रहेगा, क्लिकबेट थंबनेल आपका नहीं रहेगा ना, तब तक आपका शॉर्ट वीडियो वायरल भी नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। अपना शॉर्ट वीडियो दोस्तों थंबनेल जरूर से जरूर लगाना, और ऐसा थंबनेल मत लगाना को क्लिकबेट थंबनेल आप यूज करना, ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई पार्ट क्लिक था थंबनेल अगर नहीं है तो कोई अलग से आप दोस्तों थंबनेल को बना लेना, वो एडिट करते थे हम अपने वीडियो में उसको सेट कर देना और उसको आप थंबनेल बना लेना, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो से मैं कोई थंबनेल को चूज करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इस प्रकार से थंबनेल जरूर लगाना। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, इस थंबनेल को हम लगा लेते हैं, ठीक है, बाकी इसको डन कर देते हैं। सिंपली आपको इस प्रकार से करना है, सेम प्रोसेस आपको भी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा थंबनेल भी लग चुका है दोस्तों, यहाँ पर कुछ पहले जैसा था, यहाँ पर देखिए थंबनेल मेरा आ चुका है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर कैप्शन ये शॉर्ट, तो सिंपली दोस्तों जो भी आपको कंटेंट देगा दोस्तों उस कंटेंट अनुसार आपको टाइटल लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई टाइटल हम लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं कोई चीज, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर फनी वीडियो हम लिख लेते हैं, ठीक है, एक डेमो के लिए फनी वीडियो कॉमेडी, चलिए COM कॉमेडी, यहाँ पर कोई हम यहाँ पर इस प्रकार से कोई इमोजी वगैरह पे एड कर देते हैं, ठीक है, चलिए इस प्रकार से, ठीक है। एक डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो कंटेंट रहेगा आपके कंटेंट के अनुसार से यहाँ पर टाइटल लिख लेना, बाकी यहाँ पर कुछ हैशटैग को यूज करना है तो आप हैशटैग भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हैशटैग यूज करते कर सकते हो, हैशटैग शॉर्ट्स भी यूज कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, हैशटैग शॉर्ट्स भी यूज करते हो, यहाँ पर YT शॉर्ट्स भी आप यूज कर सकते हो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट्स यूज कर लेना है, ठीक है। बाकी उसको यूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे भी बहुत सारा यहाँ पर आपका रहेगा ऑडियंस रहेगा, तो ऑडियंस में दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो नेगेटिव पॉइंट का रहेगा तो नेगेटिव पॉइंट रहेगा दोस्तों क्या करना आपको, सर यहाँ पर सेकंड नंबर क्लिक करना, अगर आपको वीडियो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है वैसा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो बच्चे लोग वीडियो देखेगा उससे कोई गलत इफेक्ट जाएगा, आपको वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, यूट्यूब क्या करेगा, आपको वीडियो बच्चे के पास भी रिकमेंड करेगा और बड़े लोगों के पास भी रिकमेंड करेगा, जिससे क्या होगा आपको वीडियो डबल व्यू जाएगा, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे वीडियो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर बैक आ जाते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो दोस्तों मेरा वीडियो अभी अनलिस्ट में है, तो दोस्तों क्या करना आपको, यहाँ पर अनलिस्ट से यहाँ पर इसको पब्लिक कर देना है, आपको इस प्रकार से पब्लिक कर देना है, और पब्लिक करने बाद क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपको यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर देना है, इतना कर लेना है आपको, ठीक है। इतना सिर्फ आपको करना है दोस्तों, इतना करने बाद देखना आपका शॉर्ट वीडियो व्यूज आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे दोस्तों व्यूज कैसे बढ़ेगा, सेम प्रोसेस मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊँ व्यूज कैसे बढ़ा, ध्यान से सुनो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने क्या किया, किसी का मैंने साउंड को यूज किया, उस शॉर्ट में व्यूज कितना था, 33 लाख व्यूज था, तो उस वीडियो को मैंने साउंड यूज किया, उस वीडियो को मैंने टारगेट किया हूं, तो अब क्या होगा दोस्तों, मेरा जो वीडियो रहेगा उस कंटेंट के, मेरा जो जिस कंटेंट का वीडियो था वही कंटेंट का मैंने
टारगेट किया हूं, तो क्या होगा दोस्तों, अब जो मेरा वीडियो है दोस्तों, आप सही लोगों के पास वीडियो मेरा जाएगा। पहले क्या था दोस्तों, हम वीडियो को यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो को अपलोड तो करते थे, लेकिन क्या था, अब गलत लोगों के पास यूट्यूब रिकमेंड कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था, मेरा वीडियो को देख नहीं रहते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण से क्या मेरा वीडियो व्यूज नहीं आ रहा था। अब इस प्रकार से दोस्तों मैं किसी के टारगेट में करूंगा, क्या होगा, अब यूट्यूब क्या करेगा, इस वीडियो को दोस्तों सही लोगों के पास भेजेगा, ठीक है, जो जो इस कंटेंट का वीडियो देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब क्या करेगा, उन्हीं लोगों के पास वीडियो रिकमेंड करेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, अब मेरे वीडियो में व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके मेरा वीडियो भी वायरल होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हर एक अपने शॉर्ट वीडियो में इस प्रकार से प्रोसेस जो मैंने बताया, इसको आप फॉलो करो, हर एक शॉर्ट वीडियो में देखना दोस्तों, आप कम से कम 10 शॉर्ट वीडियो को इस प्रकार से अपलोड करो, इस प्रकार से फॉलो करके आपको देखना दोस्तों, आपका हर एक शॉर्ट व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर पहले दोस्तों आपको 10 भी 50 100 200 500 व्यू आता होगा ना, तो अगर इस सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो आपका हर एक शॉर्ट व्यू दोस्तों लाखों में मिलियन में भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको एक शॉर्ट व्यू नहीं होगा, कम से कम दोस्तों आपको 10 दिन 15 दिन महीने में लगातार इस प्रकार से प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, ताकि यूट्यूब को समझ में आ जाएगा कि इस चैनल में आप जो चैनल में वीडियो अपलोड करते हो, उस यूट्यूब को समझ में आ जाए कि इस चैनल में कौन सा कैटेगरी वीडियो अपलोड होता है। तब यूट्यूब क्या करेगा दोस्तों, आपको वीडियो को सही लोगों के पास भेजना शुरू करेगा, जिससे क्या होगा, आपका हर एक वीडियो में व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके दोस्तों आपने हर एक शॉर्ट में व्यूज को बढ़ा सकते हो, अपने शॉर्ट को वायरल कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज की जो मैंने आपको बताया वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, ताकि जब मैं अगला वीडियो को पोस्ट करूँ नोटिफिकेशन भी आपको मिले, उस वीडियो को आप देख सको। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा दोस्तों, जय श्री राम।